गडतीचा संघ मागच्या सामन्यात पराभूत झालाय, तरी देखील दर्शकांची गर्दी मैदानावर खिळू नये कारण तिसरा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना सुरू होतोय। माटगाव डी संघाचा 12वा खेळाडू, माटगाव डी के 12वे खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स मध्ये वेळेची मर्यादा आहे, वेळ पुढे गेलेली आहे, सामना सुरू होतोय, आमचे स्कोरर तयार, पंच तयार। स्ट्राइक राज आणि नॉन स्ट्राइक अंकुश, बॉलर नेम मधुराम, मधुराम बॉलर, मधुराम, मधुरामचा पहिला चेंडू समोर राज ऑप्शनच्या बाहेर, इतका बाहेर की वाईड, पंच प्रमोद केले, नाचत नाचत वाईड चा इशारा करताना वाईडच्या एका दोघांनी खातं उघडलेलं आहे। संघाचं मोठी धाव संख्या पाहायला मिळते का बघूया, पहिल्या सामन्यात 37 धावा झाल्या होत्या, दुसऱ्या सामन्यात 44 धावा, बघूया तिसऱ्या सामन्यात धावांची लयलूट होते का। चांगला चेंडू यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेर, पण इतका बाहेर नाहीये की वाईड दिला जाईल, अप्रतिम चेंडू यष्ट्यांच्या जवळ होता, पंच प्रमोद किनी यावेळेला वाईडचा इशारा दिला नाहीये, त्यामुळे निर्धाव चेंडू। सुंदर क्रिकेट पाहायला मिळते, माची समाज क्रिकेट स्पर्धा 2024 वडक्तीच्या मैदानावर पाचही दिवस जे क्रिकेटचे सामने खेळले गेले, दर्जेदार क्रिकेट सामने। यावेळेला चेंडू हवेत, टप्पा पडून चेंडू गेलाय सीमा पार, चौकार, ओव्हर टू यू डीजे। मजा घेत आहेत आमचे डीजे, डीजे रोशन, सर्व प्रकारच्या गाण्यांनी प्रेक्षकांना पंच प्रमोद यांना थिरकण्यावर मजबूर करणार आहेत। अप्रतिम डीजे वादन डीजे रोशन यांचं। पुढचा चेंडू मधुकर यांचा, हळूवा टाकलेला चेंडू, थोडस उत्सवी घेतलेला चेंडू, निर्धाव चेंडू असणार आहे। राज याला मोठे फटके मारण्याची संधी दवडायची नाहीये, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न अजूनही सुरू आहे, पण गोलंदाज आपल्या गोलंदाजीची कमाल करतायत, आपल्या बोटांची आपल्या हातातली जादू दाखवत आहेत। सर्व खेळाडूंना संघांना विनंती, टर्फ विकेटवर कोणी जायचं नाहीये। चेंडूने बॅटची कट घेतली, सरळ यशस्वी झेल आणि बाद, पहिला फलंदाज बाद। डीजे वाजू द्या, चार चेंडू झालेत, राज बाद होऊन तंबूत परततोय। नवीन फलंदाज अनिकेत, संघांना विनंती आहे, गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला विनंती आहे, सामना किंवा डाव 30 मिनिटात संपवणं बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, त्यामुळे वेळेचं भान प्रत्येक संघाला कर्णधाराला असणं गरजेचं आहे। सर्व मान्यवर क्रिकेट प्रेमी दर्शक खेळाडू यांना विनंती आहे, जेवणाची सोय झालेली आहे, शाकाहारी आणि मांसाहारी पद्धतीचे स्वादिष्ट जेवण तयार आहे, ज्यांच्याकडे वेळ असेल त्यांनी कृपया जेवण घ्यावे आणि पुढील सामन्यांच्या मेजवानीसाठी तयार राहावे। मधुकराचा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार असेल अनिकेत, नवीन फलंदाज। पहिले षटक सुरू आहे, 6 षटकाचा सामना आहे, 4 गोलंदाज असणं बंधनकारक आहे। सुंदर चेंडू, कसोटी क्रिकेटला साजेश अशी गोलंदाजी करतोय हा गोलंदाज, अप्रतिम गोलंदाजी। या खेळपट्टीवर तिसरा सामना सुरू आहे आजच्या दिवसातला आणि गोलंदाजांनी अधिराज्य गाजवलेलं आहे। पुढचा चेंडू मधुकरचा, तयार आहे अनिकेत, स्टान्स बदललाय, मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, वाईडचा अपील करतायत पण पंचाने नाकारलाय। षटक संपलेलं आहे, पहिल्या षटकानंतर एक गडी बाद 5 धावा, एक गडी बाद 5 धावा। काही देणगीदारांची नावं, श्री उमेश सुभाष माची यांच्याकडून सर्व खेळाडूंना थंड पाणी मिळावं यासाठी बर्फाची सोय 5-6 दिवस उपलब्ध करून देण्यात आली, त्यासाठी आम्ही श्री उमेश सुभाष माची यांची आभारी आहोत।
त्यांनी बर्फ आपल्याला उपलब्ध करून दिला. त्याचप्रमाणे सावली स्पोर्ट्स कासा कुमार पंकज हरेश्वर दिवे यांच्याकडून सुंदर चेंडू हळूच खेळून काढला आहे. एकच धाव मिळेल, एकच धाव, धाव संख्या सहा धावा. सावली स्पोर्ट्स कासा यांच्याकडून सेमीफायनल आणि फायनल संघासाठी मॅन ऑफ द मॅचचे टी शर्ट दिले जातील. सुंदर चेंडू होता, बॅट चिकळ गेली, शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने, एकच धाव मिळेल. बॅकअप चांगला, त्यामुळे जास्त नुकसान होणार नाही. थ्रो चांगला नव्हता पण एकच धाव मिळेल अनिकेतला. या एका धावीमध्ये धावसंख्या सात धावांवर पोहोचली आहे. चौकार षटकार जास्त पाहायला मिळत नाहीये. एक चौकार पहिल्या षटकात बसला होता. चौकार षटकार अतिशय आटलेले आहेत. चौकार षटकारांची बरसात या मैदानावर कायम पाहायला मिळाली आहे आणि या थरारक सामन्यांमध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. अजून बरेचसे सामने शिल्लक आहेत. चांगला चेंडू होता, त्याला सन्मानपूर्वक खेळून काढला. मिडलच्या दिशेने एक धाव मिळेल, दुसरी धाव मिळते का बघूया. दुसरी धाव पण मिळणार, मिळणार. दोन धाव चोरले आहेत अंकुश आणि अनिकेत यांनी. एकेरी दुहेरी धावांनी धाव संख्येचा धाव फलक हालता ठेवण्याचा प्रयत्न. खतरवाड, खतरवाड आणि नक्सफोट, खतरवाड आणि नक्सफोट खाना खाली गेले पधारे. बहुत ही बढ़िया गेम, चांगला चेंडू होता, यष्टांच्या वरून गेलाय किंवा फलंदाजाने स्टान्स बदलले त्यामुळे पंच वाईट देणार नाहीये. निर्धाव चेंडू, धाव संख्या नऊ धावा. तीन चार चेंडू झालेत, माफ करा, चार चेंडू झालेत या षटकातले. मोठा रनअप, खूपच लांब लचक रनअप. यावेळेला उसळणा चेंडू होता, हळूच खेळून काढायचा प्रयत्न होता थर्डमॅनच्या दिशेला पण चेंडून बॅट चिकळ घेऊन गेला तो कव्हर पॉइंटच्या दिशेने. एक धाव चोरली आहे अंकुशने, धावसंख्येत भर घातली आहे. दुहेरी आकड्यावर धावसंख्या पोहोचली आहे, दहा धावा. एक गडी बाद दहा धावा, दुसरं षटक सुरू आहे. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. सहा षटकांचा सामना. चार षटक या षटकानंतर या सामन्यात या डावात शिल्लक आहेत. त्याच्यावर मोठी धावा जमवण्याचा प्रयत्न होईल. कदाचित चेंडूने बॅट चिकळ घेतली, झेल सुटलाय. षटक संपलेलं आहे निर्धाव चेंडूने. दोन षटकानंतर एक गडी बाद दहा धावा. दोन षटकानंतर एक गडी बाद दहा धावा. आकर्षक चषक कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सजवलेला आपण पाहतोय. विजेतेपदाचा मोठा चषक आपल्याला श्री बाबूलाल पुरुषोत्तम माची यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. विजेता चषक श्री बाबूलाल पुरुषोत्तम माची यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेले. उपविजेतेपदाचा चषक, उपविजेतेपदाचा चषक घोलवड ग्रामपंचायत तर्फे पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. अंतिम सामना पराभूत होणारा संघ, उपविजेता संघ, त्याच्यासाठी जो चषक आहे तो घोलवड ग्रामपंचायतीतर्फे पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. उपांत्य सामन्यात पराभूत होणाऱ्या दोन्ही संघांना तृतीय आणि चतुर्थ चषक दिले जातील. श्री नितीन पंढरी अकरे यांच्याकडून ते चषक पुरस्कृत केले गेलेले आहेत. तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाचे चषक श्री नितीन पंढरी अकरे यांच्याकडून पुरस्कृत केले गेलेले आहेत. मंडळ त्यांचे आभारी आहेत. तरमोला टीम थोडीशी घाई करा, पंच थोडी घाई करून घ्या. थोड़ा जल्दबाजी करनी होगी क्योंकि समय की कमी, समय की पाबंदी हम पर लगी हुई है. वो हम आप पर थोपना नहीं चाहेंगे लेकिन थोड़ी जल्दबाजी करनी होगी. गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है ऋतिक ने. थोड़ा जल्दी करना होगा, 30 मिनट में एक पारी खत्म करना अनिवार्य है. गेंदबाजी करने वाली टीम ध्यान दे, 30 मिनट में पारी खत्म होनी चाहिए. तीसरा ओवर, ऋतिक के हाथों में गेंद. सामने है अंकुश, खराब गेंद, नो बॉल, पिच के बाहर, नो बॉल. अगली गेंद फ्रीट, सोने पे सुहागा.
फ्रीट पर बल्लेबाज सिर्फ रनआउट हो सकता है। सुनहरा मौका बल्लेबाज अंकुश के पास। इस टीम का स्कोर में तेजी देने का फ्री है ये गेंद। रुपति की ये गेंद फ्री हिट। अंकुश के ऑप्शन के बाहर, खराब गेंद थी, उसको चेस किया, खेला थर्ड रन की तरफ, गेंद तेजी से जा रही है बाउंड्री के बाहर, चार रन चौका। अप्रतिम डीजे वादन आणि त्या तालावरती थिरकलेत पंच आमचे प्रमोद केणी। पुढचा चेंडू, अगली गेंद होती की सामने अंकुश, धीरे से खेला अंकुश ने, पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है, एक रन मिलेगा, दूसरा भी चाहते दो भी चुरा लेंगे, बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं रनों की यहां पर। इन दो रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर 17 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, तीन ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा, मैंडेटरी ड्रिंक्स ब्रेक, छह ओवर के मैच में तीन ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। अगली गेंद रुतिक की, सात रन लुटा चुके पहली तीन गेंदों पर, पहली दो गेंदों पर माफ कीजिएगा। उछाल भरी गेंद अपस्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, खराब गेंद, इस ओवर की दूसरी खराब गेंद, पहली नो बॉल फेंक चुके, अब ये वाइड, स्कोर बोर्ड पर टंग चुके 18 रन। माटगाउडी धीरे धीरे बल्लेबाजी में रन जुटा, सीधा कैच, सीधा फील्डर के हाथों में थमा बैठे अंकुश, विकेट। मैदान में उतर रहे हर्षल, ऋतिक ने दिला दी है एक सफलता, फील्डर जगह पर तैनात किया था कवर पॉइंट पर और सीधा उसके हाथों में गेंद गई, काफी खराब गेंद, अपने लय से पूरी तरीके से भटक चुके गेंदबाज, नो बॉल होगा ये, जिस पर एक रन, नो बॉल प्लस वन, दो रन मिलेंगे इस गेंद पर और अगली गेंद फ्री हिट होगी। इन दो रनों के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा 19 पर पहुंचा है स्कोर, माफ कीजिएगा 20 पर पहुंचा है स्कोर। उछाल भरी गेंद फ्री हिट है, गेंद पर बल्लेबाज रन आउट हो सकते हैं लेकिन एक ही रन मिलेगा। किस रन, बहुत महंगा ओवर साबित होता हुआ ये, माटगाउडी खुश होंगे, रन गति में तेजी, दे चुके बल्लेबाज हर्षल तैयार अगली गेंद के लिए, आ गया कर बल्ला घुमाया, सीधा खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, एक रन मिलेगा और खराब फील्डिंग की वजह से चार।
शॉट कोणाला गोळी मारली आहे प्रमोद सर तुम्हाला तुम्हीच सांगू शकाल. अप्रतिम नृत्य अप्रतिम डीजे वादन रोशन माची वे आपल्याकडे कमी असणार आहे वेळेची मर्यादा वेळेचं भान सर्वांना ठेवावंच लागेल. अगली गेंद द्वारकेश की सामने है बढ़िया बल्लेबाजी के लय में लग रहे दुर्गेश इस बार भी कनेक्शन अच्छा मिसफील्ड हुई है चार और मिलेंगे दुर्गेश को. चेंडू चेंडू बदलून जास्तीचा चेंडू एक घेऊन ठेवला तरी पण चालू शकेल. चार धावांमुळे चार रन की वजह से माटगाव डी का स्कोर 36 तीन विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद पांचवी गेंद इस ओवर की दुर्गेश सीधा खेला दुर्गेश ने फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर वहां पर भाग रहे अच्छी फील्ड इस बार दो रन तो बचा लिए अपनी टीम के लिए दो रन मिलेंगे जरूर. 40 का आंकड़ा छू लिया माटगावड़ी ने अभी भी 13 लीगल गेंदे बची है 38 माफ कीजिएगा 38 का आंकड़ा दो रन अभी दूर है 40 से 13 लीगल गेंदे बची है इस पारी में 38 रन है स्कोर. आखिरी गेंद इस ओवर की शॉर्ट गेंद बल्ला घुमाया बढ़िया पुल शॉट और चार को पाया.
आखिरी गेंद बची है आखिरी ओवर की, स्कोर बोर्ड पर 54 रन दिख रहे हैं हमें। मरवाड़ा क्रिकेट मंडळाकडून श्री मिलिंद अर्जुन माची यांच्या घरी सतत गेले पाच दिवस जेवण बनवण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली होती, तसेच त्यांचा मुलगा ओमकार सिंगापूर येथे मर्चंट नेव्ही मध्ये कामाला आहे, त्यांच्याकडून देखील 2500 रुपयाची देणगी देण्यात आली होती। मंडळ त्यांचा आभारी आहे, यापुढे देखील त्यांचं सहकार्य आम्हाला मिळत राहील हीच अपेक्षा आम्ही व्यक्त करतोय। शेवट चेंडू धावतला, समोर राहुल, बल्ला घुमाया राहुल ने, एक को पाया शायद चार को पाया, चौके के साथ पारी को खत्म किया। करून दिल्याबद्दल मंडळ त्यांचे देखील आभार मानू इच्छितो। चिखरा मित्र मंडळाकडून आपल्याला डीजेचा स्पॉन्सरशिप दिल्याबद्दल मंडळ त्यांचे देखील आभार मानू इच्छितो। त्याचप्रमाणे श्री ओमकार मिलिंद माची मरवाडपाडा यांच्याकडून 2500 रुपयाची देणगी आलेली आहे। श्री ओमकार मिलिंद माची यांच्याकडून 2500 रुपयाची देणगी, मरवाडा मित्र मंडळाकडून जेवणाची सोय 5-6 दिवस उपलब्ध करून देण्यात आली होती, त्यासाठी मंडळ त्यांचा आभारी आहोत। मरवाडा महिला मित्र मंडळ, मरवाडा महिला मित्र मंडळ ज्यांनी जेवण बनवण्यासाठी आम्हाला सहकार्य केलं, त्या सर्व महिला मित्र मंडळाचे आम्ही आभारी आहोत। श्री जितेश संदीप माची 1000 रुपये त्यांचे देखील आम्ही आभारी आहोत। ओम साई स्पोर्ट्स बोईसर यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण लाईव्ह थेट प्रक्षेपण पाहतोय, त्यासाठी ओम साई स्पोर्ट्स बोईसर हर्षद आणि तनय यांचे देखील आभारी आहोत। थेट प्रक्षेपण या क्रिकेट स्पर्धेचं आपण यूट्यूब चॅनलवर लाईव्ह पाहू शकतात ओम साई स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून। वाघाईपाडा ए संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे, आपला निर्णय कळवावा। आमचे पंच ज्यांनी उत्कृष्ट पंचगिरी आमच्यासाठी 5-6 दिवस केली त्या सर्व पंच आभारी आहोत। त्याचप्रमाणे हे मैदान उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही वडक्ती संघाचे देखील आभारी आहोत। वडक्तीचे मैदान आम्हाला 5 दिवस त्यांनी खेळण्यासाठी उपलब्ध करून दिलं। आमचे मुख्य स्पॉन्सर श्री आशिष बाबूलाल माची 40,000 रुपये, श्री सुशील बाबूलाल माची 10,000 रुपये, श्री कुमार
भरत माची 5,000 रुपये, श्री विनेश चंद्रकांत माची 2,000 रुपये, त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत घोलवड सरपंच श्री रवींद्र भुजड आणि उपसरपंच श्री कुणाल शाह यांच्याकडून 40,000 रुपये आपल्याला मिळाले. श्री महेश विनायक माची 1,000 रुपये, श्री संतोष मोहन माची 1,000 रुपये, श्री उमेश सुभाष माची 1,500 रुपये. सर्व देणगीदारांची आम्ही आभारी आहोत. पुढील देणगीदारांची नावं आम्ही वेळोवेळी घोषित करत राहू. फलंदाज ओपनर्स ऋतिक और दैनिक, ऋतिक और दैनिक, गेंदबाजी की जिम्मेदारी है हर्षद के कंधों पर. पहला ओवर पहली गेंद, माफ कीजिएगा अंकुश, अंकुश की पहली गेंद डॉट. अंकुश बॉलर, दैनिक नॉन स्ट्राइक ला, ऋतिक आणि दैनिक डॉट बॉल से इस पारी का आगाज हुआ है. 59 रनों का बचाव करने उतरे हैं माडगांव डी के खिलाड़ी. गेंदबाज अंकुश की दूसरी गेंद, उछाल भरी गेंद, कैच का मौका और चूकेंगे नहीं विकेट कीपर. पहला झटका, ओवर टू यू डीजे. थैंक यू डीजे. नए बल्लेबाज मैदान में उतरे कृष्णा. दो गेंदों के बाद कोई रन नहीं जुटा पाए हैं अब तक, 59 रनों का पीछा कर रहे हैं. इसके बाद होने वाला मैच चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच, मरवाड़ा ए और वागईपाड़ा ए. वागईपाड़ा ए ने टॉस जीता है, अपना फैसला अब तक बताया नहीं है. अंकुश की अगली गेंद, उछाल भरी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में, बहुत तेज थी ये गेंद डॉट बॉल. बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, अपने लय पकड़ चुके, अपना टप्पा पकड़ चुके, अपनी लेंथ पकड़ चुके. क्रिकेट का स्वाद आपको इस मैदान पर चखने को मिल रहा है. बढ़िया कैच, बढ़िया गेंद थी, लेकिन उतना ही लाजवाब कैच यहां पर पकड़ा विकेट कीपर ने. नए बल्लेबाज मैदान में उतरे अजय. चार गेंदों में केवल, माफ कीजिएगा, कोई रन जुटा नहीं पाया अब तक. दो विकेट झटक चुके गेंदबाज अंकुश. थोड़ा जल्दबाजी करें, समय कम है अपने पास. अंकुश की पांचवी गेंद, नए बल्लेबाज अजय के लिए. शॉर्ट गेंद थी, तेज गेंद थी, इस गेंद पर नजरें रहेंगी आज दिन भर. बढ़िया गेंदबाजी, क्या आज के दिन का पहला मैडल ओवर हम देखने वाले यहां पर. पांच गेंदों पर कोई रन नहीं, दो विकेट चटका चुके हैं गेंदबाज अंकुश. बढ़िया गेंद, जी हां, यह पहला मैडल ओवर आज का. बढ़िया गेंदबाजी अंकुश की, दो विकेट लेकर डबल विकेट मेडन. बढ़िया गेंदबाजी, 59 रनों का पीछे कर रहे. बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी, पहले ओवर में बांध कर रखा बल्लेबाजों को. हमें सहयोग करने वाले
स्पॉन्सर्स के अलावा भी उन सभी का हम आभार प्रकट करते। श्री राज प्रभाकर माची 1000 रुपए, श्री विराज अनिल माची 1000 रुपए, श्री रोहित राजेश माची 1000 रुपए। पहली गेंद, नया ओवर, हर्षल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंद, एज लगा, पहला रन मिलेगा। दैनिक के बल्ले से आया पहला रन, दो विकेट गवा चुकी है टीम, मुसीबत में है और उस मुसीबत को जल्दी से हटाना होगा। गेंदों में इस बार और कैच छूटा, अगर ये कैच पकड़ा जाता तो मुसीबतों के बादल और घने होते, गहरे होते। जीवन दान मिला है अजय को, दो रन मिलेंगे अजय और उनकी टीम को, तीन रन हो चुके एक ओवर दो गेंदों के बाद। अगली गेंद, शॉट अच्छा है लेकिन कैच फिर से छूटा है। लगातार दो गेंदों पर जीवन दान और दो रन छुड़ाने में कामयाब अजय, सिंगल्स और डबल्स में पहुंच चुका स्कोर 5 पर एक ओवर और तीन गेंदों के बाद। माडगांव डी पहला ओवर बढ़िया फेंका था अंकुश ने, मेडन ओवर और दो विकेट। रिप्ले में देख सकते हैं आप कैचेस छूटते हुए भी। चौथी गेंद ओवर की, हर्षल लेफ्ट आर्म राउंड ऑफ स्टंप के बाहर, पर इतनी बार नहीं गिवाई दी जाए। डेड बॉल, अच्छी वापसी, पांचवी गेंद, स्विच का प्रयास और चूके, विकेट कीपर भी चूके, एक रन मिलेगा टीम को, छठा रन एक ओवर और पांच गेंदों के बाद। 22 का एक रन मिलेगा। अंपायर अपना फैसला गेंद के बाद तुरंत बता दे तो हमारे स्कोरर को आसानी होगी। बढ़िया गेंद थी, स्टंप्स को बचाया, डॉट बॉल से ओवर किया खत्म। दो ओवर के बाद दो विकेट के नुकसान पर 6 रन, दो ओवर के बाद दो विकेट के नुकसान पर 6 रन, 59 रनों का पीछा हो रहा है। हमें सहयोग देने वाले कुछ दाताओं का नाम, श्री अभिषेक विश्वनाथ माची 1000 रुपए, श्री प्रज्ञेश सुभाष माची 1000 रुपए, श्री प्रतीक दत्तात्रेय माची 1000 रुपए, श्री गौतम जयराम माची 1000 रुपए, श्री बालूकड़ू 1000 रुपए, श्री ओम साई स्पोर्ट्स। गेंदबाज का नाम हर्षद, अक्षय। अगला ओवर करेंगे, तीसरा ओवर करेंगे, सामने है दो जीवनदान पाकर किस्मत वाले बल्लेबाज अजय, 4 बनाकर खेल रहे अजय, स्ट्राइक पर है अब। अक्षय की पहली गेंद का सामना करेंगे, बल्ला घुमाया, एज लगा है, गेंद घूमी है पर फील्डर वहां पर मौजूद है, एक रन, एक ही रन मिलेगा, 7 रन, 52 रन और चाहिए, गेंदे बची है 23, कंपल्सरी चेस करना है। आगे अगर उसको खेला मिड विकेट की तरफ एक रन के लिए, दैनिक ने सिंगल से बात नहीं, थोड़े बड़े शॉट्स लगाने का समय आ चुका है क्योंकि पहला ओवर मेडन, उसके बाद रनों की गति पर अंकुश लगाने में कामयाब गेंदबाज। आगे अगर बल्ला घुमाया अजय ने पर चूके, अंपायर का फैसला कुछ नहीं आया, डॉट बॉल, शानदार गेंदबाजी जारी, 22 गेंदों में अब भी 52 रन चाहिए। आठ रन हो चुका स्कोर,
चौथी गेंद, चौथी गेंद इस ओवर की, आ गया करबल्ला घुमाया दैनिक ने, पर फील्डर वहां पर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। चार गेंदों पर केवल तीन रन, बढ़िया गेंदबाजी, डिसिप्लिन भरी गेंदबाजी माडगाउडी की तरफ से। दो गेंदें बची है, चार बॉल हो चुके हैं। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरा डॉट, फिर सिंगल, चार बॉल, दो गेंदें बची है। नौ रन हो चुके स्कोर, 50 चाहिए अब, 20 गेंदों में 50। चार बॉल है, 5 चले, एक पहला बॉल ला सिंगल, दूसरा बॉल डॉट होता, तीसरेला सिंगल, चौथ्याला सिंगल, चारच बॉल झाले। पहिल्या बॉलला दैनिकने सिंगल काढली होती एक, पहिले बॉल दैनिकला सिंगल, दूसरा बॉल अजय डॉट खेळला, तिसऱ्या बॉलला अजयची सिंगल, चौथ्या बॉलला दैनिकची सिंगल, चार बॉल, 20 चेंडू, 50 धावांची गरज, जास्त वेळ घेऊ नका, वेळ आपल्याकडे कमी आहे, ज्यादा समय नाही। पाचवी गेंद सुवर की, 9 रन हो चुके स्कोर, बढ़िया शॉट, कनेक्शन तो अच्छा बना है शायद नहीं, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, कैच आउट हो गए, अजय पवेलियन लौटेंगे। तीसरा झटका, डीजे नए बल्लेबाज मैदान में उतरे, बल्लेबाज का नाम माडगावडी द्वारकेश, ऑप्शन के बाहर वाइड का एक रन मिलेगा, 10वां रन जोड़ चुका है, स्कोर बोर्ड पर हमें दिख रहा है 10 रन, 59 का पीछा हो रहा है, 49 रन चाहिए 19 गेंदों पर। स्विच हिट का प्रयास, चूके और पूरी तरीके से चूके, 3 ओवर खत्म, ड्रिंक्स ब्रेक होगा।
पहली सफलता। 17 में ऊंचा चाहिए डीजे, ओवर टू यू। नितिन 17 गेंद में ऊंचा चाहिए राज की पहली गेंद पर पहली सफलता। जल्दी कुछ कमर करना होगा बल्लेबाजों को, नहीं तो मैच हाथ से फिसल रहा है। इसके बाद होने वाला मैच चौथा क्वार्टर फाइनल मैच मरवाड़ा ए और वाकईपाड़ा ए के बीच में खेला जाएगा। राज की दूसरी गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, बल्ला घुमाया, कैच का मौका अनिकेत नहीं छोड़ेंगे। एक और सफलता, ओवर टू यू डीजे रोशन। मौका है राज के लिए, दो गेंदों पर दो विकेट ले चुके हैं, हैट्रिक का मौका। क्या पहला गेंदबाज बनेंगे हैट्रिक लेने वाला आज के दिन का? नहीं, गेंद जा रही है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लाजवाब फील्डिंग, बाउंस को पहचाना और समय पर उछाल से गेंद को रोका, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। 12 रन हो चुका है स्कोर, 47 चाहिए अब भी, गेंद में बचिए 15। YouTube पर लाइव आप देख सकते हैं रिप्ले में, क्या बढ़िया बचाव किया फील्डिंग में। गेंदों में कैच छूटा, कैच का प्रयास नहीं किया गया, एक ही रन मिलेगा इस बार बजरंग को। स्कोरबोर्ड में इजाफा, स्कोर में इजाफा, 13 रन, 46 चाहिए, गेंदें बचिए 14। स्विचिट का प्रयास और चूके, बुरी तरीके से चूके, पूरी तरीके से चूके, डॉट बॉल। हमारे अंपायर्स बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग करते हुए, प्रमोद केनी और उनका साथ दे रहे दीपेश। कड़कती धूप में बढ़िया अंपायरिंग अब तक, अंपायर प्रमोद केनी को भी शांत रहना पड़ा है। एक रन मिलेगा, आउट हो गए, लेग स्टंप, लेग बिफोर विकेट, एक और झटका, सातवां झटका, मुसीबत में घिरे हुए, मुसीबतों से घिरे हुए। ओवर हो चुका है खत्म, 4 ओवर के बाद 13 रन, 7 विकेट के नुकसान पर, 46 चाहिए अब भी, गेंदे बचिए 12। नए बल्लेबाज मैदान में उतरे, कृष्णा, ओम साई स्पोर्ट्स बोईसर के माध्यम से, हर्षद और तनय के माध्यम से आप YouTube पर लाइव देख सकते इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण। बढ़िया गेंद यहां पर हर्षल, हर्षल की पहली गेंद डॉट, 11 में चाहिए 46। एसआरएस ट्रांसपोर्ट महाराजा ग्रुप, श्री सूरज रामानंद सोनकर प्लांट की तरफ से बढ़िया गेंदबाजी, आउट हो गए, 8वां झटका, विकेट की पतझड़ जारी है।
ओवर टू यू डीजे, थोड़ा मनोरंजन करे। बल्लेबाज मैदान में उतरे हर्षद, 8 विकेट गिर चुके, ऑल आउट करने का मौका भी है माडगांव डी के पास। हर मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो दिया जा रहा है, जो ट्रॉफी दी जा रही है, बढ़िया गेंद और बॉल वो दी जा रही है एसआरएस ट्रांसपोर्ट महाराजा ग्रुप श्री सूरज रामानंद सोनकर प्लाट की तरफ से। हर मैच में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी एसआरएस ट्रांसपोर्ट महाराजा ग्रुप श्री सूरज रामानंद सोनकर प्लाट की तरफ से दी जा रही है। क्वार्टर फाइनल में 4 मैन ऑफ द मैच, सेमीफाइनल के 2 मैन ऑफ द मैच और फाइनल का 1 मैन ऑफ द मैच। ट्रॉफी के साथ साथ टी शर्ट भी दिए जा रहे हैं, वो स्पॉन्सर किए जा रहे हैं। बढ़िया कैच यहां पर नक्स स्पोर्ट खत्तलवाड़ा की तरफ से, टी शर्ट हर मैच में मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को दिए जाएंगे। नौवां झटका डीजे थैंक यू डीजे। आखिरी बल्लेबाज ऑल आउट का सुनहरा मौका आशीष मैदान पर, आखिरी बल्लेबाज 46 रन चाहिए 8 गेंदों पर। बढ़िया गेंद सिंगल, 14 रन हो चुके स्कोर, आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। आखिरी गेंद, धीरे से खेलना चाहते थे पर नहीं, डॉट बॉल। 6 गेंदें बची है, 45 रन चाहिए। इसके बाद होने वाला मैच मरवाड़ा ए और वाघईपाड़ा ए के बीच में खेला जाएगा। हर मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है, इस मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। श्री सूरज रामानंद सोनकर के हाथों से ट्रॉफी दी जा रही है। 6 गेंदें बची है, इस मैच के बाद तुरंत मैन ऑफ द मैच भी हमें मिल जाएंगे। आखिरी गेंद, आखिरी ओवर प्रसाद करेंगे। उछाल भरी गेंद, ऑल आउट करने का मौका और दोनों हाथों से पकड़ा विकेट, मैच खत्म। सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं वाघईपाड़ा ए, ने अपना फैसला बताया नहीं अब तक। वाघईपाड़ा ए टॉस जीता है, फैसला बता दे, बॉलिंग लिया है उन्होंने, ठीक है बॉलिंग करेंगे। मैन ऑफ द मैच दुर्गेश माडगांव डी के, दुर्गेश गुजारिश है मैन ऑफ द मैच कर श्री सूरज रामानंद सोनकर के हाथों से स्वीकार करें हमारे स्पॉन्सर।